हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस ऑप्शंस आर एस्ट्रोजन ओनली प्रोजेस्टेरोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन ओनली सो द की कांसेप्ट हियर इज कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम ओवरी में बनता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल मच्योर ग्राफिन फॉलिकल से जब ऑव्यूलेशन होती है यानी फोर्टीन डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होता है जब एलएच का पीक लेवल होता है यानी एलएच सर्ज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है और ये ट्रांसफर हो जाता है टू दी ओविडक्ट। अब यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल का रेमनेंट बचता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी कार्पस ल्यूटियम और ये कार्पस ल्यूटियम फिर फर्दर प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन को और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है टू तो मेंटेन एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस सो नाउ क्वेश्चन में पूछा है द मेन फंक्शन ऑफ मेमिलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन ओनली तो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है ग्राफियन इसलिए ये तो, हो जाएगा। है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कार्पस को करता है जिसका नाम है लेयर ऑफ द यूट्रस थर्ड है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इसे प्रोड्यूस करता है, है, है प्लसेंटा इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा लास्ट है रिलैक्सिन हार्मोन ये रिलैक्सिन नहीं बल्कि रिलैक्सिन हार्मोन है और इसे प्रोड्यूस करती है ओवरी जो कि पार्चुरेशन के लिए हेल्पफुल होता है इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो द फाइनल आंसर हेर इज ऑप्शन बी दैट इज प्रोजेस्ट होप होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक